सब दोस्तों, मेरा नाम है साल सिंह और आप देख रहे हो अपने टेक्स अल्ट्रक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले कि अपना पीसी या फिर लैपटॉप में जो व्हाइट बोर्ड होता है ना उसको कैसे इंस्टॉल करें। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे ना जिनको एक्सप्लेनेशन के लिए जो व्हाइट बोर्ड का है ना वो जरूरत पड़ता होगा। जो पीसी में है वो लैपटॉप में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो जो पीसी में है ना व्हाइट बोर्ड आप लोगों का इंस्टॉल कर देते और उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करते, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो भी हम लोग बात करें कि जो खुद का व्हाइट बोर्ड रहता है उसको कैसे इंस्टॉल करें पीसी में या फिर लैपटॉप में आप लोगों का जो भी है, फुल मेथड हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू आए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। मेरे चैनल में इसी टाइप के पीसी रिलेटेड और लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट ही सब आता रहता है। ओके, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोग किसी भी टाइप का डाउट होना या प्रॉब्लम आ रहा हो ना तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लेना। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। तो भले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई लोग, इस वीडियो में ना हम लोग टोटल दो मेथड के बारे में बात करेंगे। अब दोनों मेथड ना अलग अलग यूजर के लिए है। एक मेथड उन लोगों के लिए है जिनका पीसी में विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 चलता है। ओके, और एक जो लास्ट वाला मेथड है वो उन लोगों के लिए है जिनका पीसी में विंडोज 8 या फिर विंडोज 7 चलता है। ओके, तो मैं आप लोगों को दोनों पीसी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। एक जो मेथड रहेगा वो विंडोज 11 या फिर जो विंडोज 10 होता है ना उसके लिए रहेगा। तो आप लोग अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप लोग पहला वाला मेथड ट्राई करना, बट अगर आप लोग विंडोज 8 या 7 यूज़ करते हो तब आप लोग दूसरा वाला मेथड ट्राई करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। आप लोग अगर पहला मेथड करना, आप लोग अपने पीसी में जो व्हाइट बोर्ड होता है ना उसको इंस्टॉल करना है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये आप लोगों का जो प्ले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना इसके अंदर आप लोग आ जाना पड़ेगा। ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में आप लोग को आ जाना है, नेट से कनेक्ट कर लेना। पहले नेट से कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और मेरा पीसी में जो ये खुल करके आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर ही व्हाइट बोर्ड करके लिखना है। जैसे ही आप लोग व्हाइट बोर्ड करके लिख दोगे ना तो आप लोगों का यहाँ पर ही शो हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, और भी बहुत सारा व्हाइट बोर्ड यहाँ अवेलेबल है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है ना आप लोग इसको डाउनलोड करना। ये वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड। जैसे कि आप लोग देख लो, ये वाला जो व्हाइट बोर्ड वाला सॉफ्टवेयर है ना आप लोग इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप लोग गेट के बटन में क्लिक कर दोगे तो आप लोगों का ये पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेथड है मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनका पीसी में विंडोज 10 फिर विंडोज 11 यूज आप लोग करते हो, तो ये वाला मेथड करो। तो चलिए इसको एक बार अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग वापस आपसे मिलते हैं। तो यहाँ आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ना वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर ही। ये वाला जो ओपन है ना आप लोग इसको ओपन में क्लिक कर देना तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं ओपन होता है तो आप लोग नॉर्मल यहाँ से ऑल ऐप्स में जाना और यहाँ नीचे चल जाना। यहाँ पर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड करके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जाकर ओपन कर सकते हो। अब देखो भाई, अगर आप लोग इसको पहला बार ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को बोलेगा साइनिंग इन वगैरह करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर साइनिंग इन में क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से। और अगर आप लोगों के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है ना तो आप लोग ये क्रिएट वन में चल जाना, और क्रिएट वन में जा करके आप लोग यहाँ पर नया ईमेल आईडी एकदम फ्रेश एकदम जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट वो बना लेना यहाँ से। मेरा तो है इसलिए मैं बैक चल जाऊंगा और मैं अपना जो मेरा जो एग्जिस्टिंग वाला माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ना मैं उसी से यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। तो भले यहाँ आप लोग जैसा कि देख सकते हो हम लोगों ने एकदम लॉगिन का प्रोसेस एकदम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आप लोग लेट्स गो में क्लिक कर देना। तो यहाँ आप लोग दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हम लोगों ने ना जो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पूरे लॉगिन वगैरह कंप्लीट करने के बाद लेट्स गो में वैसे हम लोग क्लिक कर दी। यहाँ पर आप लोग इस टाइप का ये अलग खुल करके आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ लॉगिन वगैरह भी हो चुका है, आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह भी आप लोग यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं ये न्यू बोर्ड में आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग ये न्यू बोर्ड में क्लिक करोगे तो आप लोग ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो व्हाइट बोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो इसको आप लोग चाहे तो इसको यहाँ से काट सकते हो। और अब आप लोग चाहे ना तो इसमें पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन वगैरह या कुछ भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ इसमें करना है ना तो आप लोग इसमें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा व्हाइट बोर्ड है जैसे कि आप लोग देख लो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना अच्छा तरीके से, मतलब होता है ना एक स्मूथ जिसको बोलेंगे ना पूरा का पूरा दोस्तों ये स्मूथ है। ये तो इरेजर होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये इरेजर है तो हम लोग इसे मिटा देंगे यहाँ पर ही। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम ये इरेजर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका से काम कर रहा है यहाँ पर देख सकते हो। और भी यहाँ पर कुछ दिया है जैसे कि स्केल वगैरह भी दिया हुआ है। अगर आप लोग को स्केल वगैरह भी चाहिए तो आप लोग स्केल वगैरह भी यहाँ से यूज़ ये स्केल मतलब जैसे ही क्लिक कर देंगे ना तो ये स्केल आप लोगों का हट जाएगा। ये हाईलाइटर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्तों आप लोगों को इसको ज़रूर एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए।
ये वाला है पेंसिल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसको चेंज ही मेरे ख्याल से कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पर आप लोग इसको ब्लैक में कर सकते हो, अगर आप लोगों को ब्लैक में रखना है तो। यहाँ से हम लोग इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, और ये है पेंसिल। एक बार पेंसिल को सबसे पहले ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से दोनों मार्कर ही है, बढ़िया है। यहाँ पर ही और भी बहुत सारा आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ आप लोग प्लस में क्लिक करोगे ना, यहाँ आप लोगों को और भी बहुत सारा फीचर मिल रहा है, जैसे कि शेप्स का। अगर आप लोगों का फॉर सपोज शेप्स का ज़रूरत पड़ी है, तो आप लोग ये शेप वगैरह भी यहाँ पर ही दिखा सकते हो, या और यहाँ पर ही कुछ लिखना उखना है तो वो भी यहाँ पर ही कर सकते हो। और यहाँ पर और भी आप लोगों को यहाँ काफ़ी सारा चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि टेक्स्ट ऐड करना हो, टेम्पलेट्स वगैरह आप लोगों को ऐड करना हो तो उसका भी आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग इस वाइट बोर्ड में ना आप लोगों को और भी कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप लोग ये सेटिंग वाले पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मेट बैकग्राउंड में मिल रहा है। आप लोग बैकग्राउंड का कलर वगैरह भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, या अगर आप लोगों को बैकग्राउंड किस टाइप का चाहिए, ग्रिड में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, या ट्रायंगल में चाहिए, जिस टाइप में भी आप लोग चाहिए ना, या रूल में चाहिए, डबल रूल में, जो कि बहुत अच्छा होता है आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ लिखना वगैरह है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बढ़िया है, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये फॉर सपोज आप लोग कुछ बना लिए तो आप लोग उसका PDF वगैरह भी यहाँ से सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट PDF में क्लिक करके। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका PC ओल्ड होगा, जिनका PC में विंडोज 10 में नहीं होगा, ना ही विंडोज 11 होगा, तो उन लोगों के लिए अब जो मेथड मैं बताने वाला हूँ ना, वो भी मेथड काफ़ी ज़्यादा काम का है, तो वीडियो पे बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोग, दूसरा मेथड करने के लिए ना, ये आप लोग देख सकते हैं, एक ओपन बोर्ड करके एक सॉफ्टवेयर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ना विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो ना, तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग ये वाला जो ओपन बोर्ड है ना, इसको आप लोग इंस्टॉल कर। तो बोलो, जैसे ही आप लोग ये ओपन बोर्ड फॉर फ्री में जैसे ही क्लिक कर दूंगा, गेट ओपन बोर्ड फॉर फ्री, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी आप लोग देख लो, विंडोज 10 प्लस के लिए अवेलेबल यहाँ दिखा रहा है, बस यहाँ पर ही विंडोज 10 के पार का ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा दिखा रहा है, ओके। बट यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे चल जाओगे ना, तो वहाँ पर जो उल्ट्रा इसका ओल्डर जो वर्जन सब है ना, वो विंडोज 7 और विंडोज 8 को भी सपोर्ट करता है। पेज में आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना, तो अब यहाँ पर आप लोग इस टैब कुछ खुल करके आ जाएगा। आप लोग ये टैग्स वाला में क्लिक कर देना है, टैग्स में आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, आप लोग एकदम नीचे आ जाना है, और इसका एकदम जो ओल्ड वाला वर्जन होगा ना, यहाँ से एकदम ओल्ड वाला वर्जन आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से एकदम ओल्ड वाला वर्जन आप लोग देख लो, ये वाला है 1.5.4। तो आप लोग ये वाला जो वर्जन है ना, इसमें आप लोग क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर ये जो ओपन बोर्ड इंस्टॉलर है ना, 1.5.4.exe, ये वाला exe वाला करना, याद रहे, क्योंकि exe वाला जो है ना वो विंडोज़ के लिए है, DMG मत कर लेना, ये मैक के लिए होता है। तो हम लोग ये वाला जो है ना exe वाला ना, आप लोग इसमें क्लिक कर देना, और आप लोगों का जो PC में ना वो ओपन बोर्ड है ना, वो डाउनलोड हो जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना, या कोई डाउट हो रहा हो ना, तो मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम मैसेज करके मेरे पर्सनली पूछ सकते हो, ID आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का डाउनलोड हो गया है तो मैं यहाँ पर ही फटाफट उसको अपने PC में इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर ही आप लोग यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर आप लोगों को येस में क्लिक कर देना है, जैसे येस में कर दोगे, यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट में, और यहाँ पर ही क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट में क्लिक कर देना, नेक्स्ट में क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करना, तो ये आपका PC में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल जैसा कि देख सकती है हमारा हो चुका है, यहाँ पर ही लॉन्च में अनटिक कर देते हैं, और यहाँ पर ही लॉन्च कर देते हैं इसको। और जैसे ही आप लोग दोस्तों लॉन्च कर दोगे ना, ये वाला आप लोग कुछ इस टैप का ओपन हो करके आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं, अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख लो, इस टैप का आ गया। अब यहाँ से आप लोग जो पेंसिल वगैरह है, ब्रश वगैरह है, यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और भी यहाँ पर ही काफ़ी सारा चीज़, जैसे कि इरेजर चाहिए तो इरेजर भी है यहाँ पर ही। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर होंगे एक नई वीडियो को लेकर, इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट होना, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। ID आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। भाई चलिए, बाय बाय, फिर बोल देता हूँ, लाइक कर लेना इस वीडियो को पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को PC रिलेटेड और लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट के लिए। बेल आइकन कॉल भी ऑल पे सेट जरूर कर देना।